पिछले चार दिन में ना तो वो प्रतिमा लगाई गई ना उस प्रतिमा को लोप किया गया है। सवाल ये है कि जब वो खंडित है तो उसको क्यों रखा गया है, और अगर ये खंडित प्रतिमा रखे ये सार्वजनिक अपमान करना है समाज का, तो ये कहाँ तक सही है? आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, अगर कोई प्रतिमा छूटती है तो उसका उसमें क्या प्रतिक्रिया होती है, प्रशासन क्या करता है? सामाजिक दूरियां ना बने, समाज में कोई गलत मैसेज आए, प्रतिमा को बदलवाते हैं, वो खंडित प्रतिमा रखे प्रशासन से आगे क्या करना चाहता है? तो वो प्रतिमा स्थापित है ये तो आप अपने प्रशासन से पूछे ना। उधर उधर खाली जगह दो प्रतिमा है, ये मैंने नहीं की है। अगर ये जो मुद्दा है उचित कहा नहीं है, हम कर रहे हैं 5 दिन हो गए आप लोग किसकी भावना है, आपकी भावना हो जाएगी हमारी अदा कर रहे हैं, आप जनता को नहीं कर रहे हैं, सेवा भाव कर रहे हैं, सेवा भाव कोई सेवा भाव, ये सेवा भाव है ना, 5 दिन में दिखाई नहीं दिया सेवा भाव, 5 मास ठीक की बात नहीं है, हम लोगों ने तो 2 महीने मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से, मैं कानून को आपसे ज्यादा मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ आप उस प्रतिमा का मूल्यांकन निवेदन किया तो आप अपना जिला नहीं चला सकते जनाब, ये आप ईमानदार याद रखिए, नहीं चला सकते ना, हम गलत टिप्पणी है, आप हमारा अपमान कर रहे हैं, साथ में गलत टिप्पणी नहीं, 5 दिन हो गए क्यों वो खंडित मैंने रखी क्या, वो अगर वो गलत है मामला तो हटा दो ना, क्यों रखवा रखी है, हटा दो अगर वो गलत है तो भाई ये बताइए ना मुझे, जो भी निर्णय होना है जो भी प्रक्रिया अपनाई जानी है, अगर आप मेरी बात सुनो किशोर सिंह जी मैं क्या बता रहा हूँ, अगर वो गलत है तो उसे हटा दीजिए, क्यों रखी हुई है, मैं भी तो कह रहा हूँ अगर वो खंडित है आप नहीं रख पा रहे प्रक्रिया के अनुरूप तो हटा दीजिए, अपमान क्यों कर रहे हैं खंडित रख के भाई, यही मेरी बात है आपसे और कोई दो राय नहीं, आपका प्रशासन कह रहा है कि जी विधायक जी करेंगे, विधायक जी से करवा दीजिए, हमें कोई दूसरों के कथन को आप कोट करें और उस पर मेरे को वो आपके शीर्ष अधिकारी हैं, वो आपके शीर्ष अधिकारी उनकी वजह से आप यहाँ किसको कोट कर रहे हैं, कितना सही कोट कर रहे हैं, कितनी मुझे आप ये बताइए अगर वो प्रतिमा वहाँ गलत रखी हुई है तो गलत को भी आप बता दीजिए, अगर वो कहीं भी रखी है और वो खंडित है तो वो अपमान हो रहा है, उनके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता, आप 5 दिन से सोचा क्यों नहीं, हम तो ज्ञापन देके घर बैठे हुए हैं, उम्मीद कर रहे हैं आप कर दोगे, कितनी प्रक्रिया कब होगा भैया, यही तो पूछ रहा हूँ, पहले तो अभी तो यही चीज चल रही है कि वो विहित प्रक्रिया के अनुसरण के उपरांत वहाँ कोई कौन कराएगा, स्थापना हुई है या कौन कराएगा, हम कराएंगे ये तो आपका प्रशासन कराएगा, 1 मिनट में पूछ लीजिए आपके डीएम को पता होगा, वार्ता हुई उन्होंने हमें कहा कि हम रखवा रहे हैं, उस दिन भी आप यही कहा गया था कि रखवा रहे हैं, आज तक 5 दिन हो गए, इससे ज्यादा क्या हो सकता है, 5 दिन से हम 3 दिन से लगातार यही कह रहे हैं कि हम मूर्ति रखवा रहे हैं, कर रहे हैं, कल जो है कल प्रशासन की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आया, आज अगर हम लोग अलर्ट हो गए तो प्रशासन भी अलर्ट हो गया, अलर्ट वाली बात नहीं, देखिए हम लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारे बातों से निकल रहा है वही होना है, मैं ये कह रहा हूँ आप एक चीज को गंभीरता से लीजिए, अगर वो गलत रखी हुई है तो भी तो आपको हटानी पड़ेगी, गलत हमारा नहीं, अगर वो सही रखी हुई है तो जब वो खंडित है तो अगर आप नहीं बदल पा रहे किसी प्रक्रिया का उसको वहाँ से हटा दीजिए, सही कर उसको बंद कर दीजिए, ये तो बात आप नहीं समझ रहे हैं, अगर मैं किसी प्रतिमा का को अलग पोत देता हूँ या उसका अपमान कर देता हूँ वो सही है गलत है बात की बात है, सर्वप्रथम हमें चाहिए कि हम उससे सामाजिक भावना ना बढ़ के इस पर फोकस करें, इस पर प्रशासन फोकस नहीं कर रहा क्यों, वो लगी भी थी जब हम वहाँ पे मूर्ति खंडित हुई
उसके बाद वहाँ मूर्ति को लगवाया गया। फिर हम लोग वहाँ पर पहुँचे, हमने देखा एक खंडित मूर्ति ही पेंट गेंद पेंट करके रख दी है, मूर्ति खंडित है पूरी तरह से, तो दूसरी मूर्ति रख दी जाए। जब वो जगह नहीं थी, आपके कहने का मतलब ये है, प्रशासन के कहने का मतलब ये है कि वो नमामि गंगे की जगह है, चलो मानते हैं, जब वो उनकी जगह थी तो वहाँ उस टाइम विवाद क्यों हुआ, इस टाइम ये मूर्ति रखी नहीं थी, उस टाइम क्यों मना किया गया? अब एक साल से मूर्ति स्थापित है, फिर वो खंडित हो जाती है तो हम उसकी मूर्ति को बदल भी नहीं सकते हैं। जानने का उसका पता करने का प्रशासन का हमारा नहीं है, लेकिन अगर वो खंडित है तो उसे वहाँ पर हटा दीजिए, उससे गलत मैं सीधा खंडित है, हमने दिखाई वो बकायदा वीडियो में आपके इंचार्ज में पता कर लीजिए, तो बात करने के लिए बताया था। सीओ साहब मुझे ये कहा गया था कि आप आ जाइए बांद्राबाद, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग है, एसएसपी साहब से मेरी और शंकर जी की बातचीत हुई है, उन्होंने कहा बांद्राबाद आ जाइए, फिर हमें यहाँ मंडावर रोक लिया जाता है। नहीं, चंद्रशेखर जी की तो बात हुई है, मैं क्यों जाऊँगा बांद्राबाद, जब मेरे से मेरी ही बात हुई, मेरी ही बात हुई आपके किसान साहब से, उन्होंने मुझे कहा कि आप आज और एक बार प्रशासनिक अधिकारी से वार्ता कर लीजिए, हमने कहा कि हम आपके पास आ जाते हैं, आप वहीं बुला लीजिए, वहीं बैठ के वार्ता कर लेंगे, लेकिन ये समझिए कि सबसे ज़रूरी यह है कि आप उस प्रक्रिया को बंद करें, अगर किसी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं बदल दिया जाए तो उसको बदल दिया जाए, दोनों में से एक काम किया जाए, जितना आप इसे रोक के रखें उतना ही सामाजिक भावनाएं जो लोगों तक ये मैसेज जाएगा, ये होगा कि मैं प्रशासन करना नहीं चाहूँगा। और मुझे तो आपके अधिकारी ने ये भी कहा कि सर वो विधायक जी भी वो मना कर रहे हैं, विधायक जी खुद बदलेंगे, विधायक जी कौन होता है, विधायक जी का समाज से बढ़ते हो जाएंगे, एक व्यक्ति की वजह से पूरे समाज के दुनिया में जो फॉलोअर मैं आपको हजार में नहीं दिखा दूंगा नारा, तो वो कह रहे हैं कि बताइए अब तक बदली आप लोग क्या करना है, हम ज्ञापन देकर बैठे हैं कि भाई बदल दीजिए या फिर उसको लॉक कर दीजिए, कंपनी ने कह दे भाई ठंडी में उसमें प्रक्रिया में काम चल रहा है तो वो अभी लॉक, लेकिन उसका सारी रूप से रख के क्या करना चाहता है, बात हुई थी ठीक है, बांद्राबाद में अरेंज करा दिया गया, बांद्राबाद आ जाइए सभी जो है ठीक है, बांद्राबाद बैठ के बात कर लेंगे, जब हम प्रशासन से बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, नहीं तो हमारे तो एक लाख कार्यकर्ता है हरिद्वार हरिद्वार के अंदर, हम तो एक फ़ोन करेंगे जब बदलवा देंगे, 10,000 लड़के कम से कम हमारे हरिद्वार में घूम रहे हैं मूर्ति के चक्कर में, हम भोपाल नहीं चाहते हैं। अगर हमें वहाँ कोई हंगामे की नीयत होती तो हमें आपके गाड़ी से घुमा सकते हैं, मोटरसाइकिल पकड़ के पहुँच जाते हैं, हम यहाँ कब से खड़े हैं, आप तो यहाँ डेढ़ घंटे से बैठे हुए, इसलिए बैठे हुए कर रहे हैं, हमारा असली मकसद जो है उसकी भावनाओं को जिसकी वजह से समाज में गलत मत जाए वो ना हो, हमारा मेन मकसद ये है, बहुत काम है, आपका भी बहुत काम है, इतनी परेशानियाँ हैं, अगर आप उसे लंबे समय तक खींच रहे हैं तो आप समझते हैं किसी को खींचने का मतलब ये है कि उसके दुष्परिणाम हों, 5 दिन से प्रशासन चुप के समझ नहीं आ रहा क्यों, अब आप बता रहे हैं कि वो जो जी प्रक्रिया के थ्रू आ जा सके जबकि ये नहीं बता रहे प्रशासन का कोई मंशा नहीं होती कि कोई जबरदस्ती का लूट ऐसा या गलत किस्म का कोई ऐसा माहौल पैदा करे जिससे बेवजह की बातें हों, तो हमारा भी कोई वोट नहीं है, हम लोग तो खुद हिंदू के रहते हैं। मैंने सुबह ये कहा कि विधायक जी बदलवा दें, सरकार बदलवा दें, प्रशासन के लोग बदलवा दें, कोई बदलवा दें, ठीक है, लेकिन वो बदलवा दें या फिर उसको लोग कर दें, जिससे कि हम कम से कम ये कहने लायक हो जाए कि भाई हम इस प्रक्रिया में काम करते हैं। आपकी बात सुबह बात हुई है बांद्राबाद आने की, हाँ गजब की बात, देखिए प्रशासनिक जिम्मेदारी है डीएम साहब की, डीएम साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, 3 फोन करे मैंने, अभी समझिए अगर डीएम फोन नहीं उठा किसको, 6 फोन करे मैंने एसडीएम को कुसुम चौहान को, 6 फोन, 4 फोन करने के बाद में घड़ियाल जी फोन पाते हैं, और अगर हम किसी उच्च स्तर पर बात करते हैं या कोई बात रखते हैं या किसी
भी स्तर से हम पब्लिक की इकट्ठा करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ही व्यक्ति का फोन हमारे पास आ जाता है कि टारगेट करके प्रशासन के लोग भी हमारे लोगों को हमारे सामने खड़ा कर देते हैं। ये तो कोई आप इसमें सकारात्मक वार्ता कराइए, इसमें बिल्कुल सकारात्मक हल निकालिए, हल निकलना जरूरी है, हल नहीं निकलेगा तो फिर गलत है। अभी नहीं है, क्या तो दिया था मैंने कि पहुंचूं, मैं भी मैंने तो कब का बताया था, डेढ़ घंटे से तो भैया हम ही खड़े हुए यहाँ, डेढ़ घंटे से गाड़ी बैठे हुए, कभी धूप में आ जाते हैं कभी गाड़ी में बैठ जाते हैं, बताइए डेढ़ घंटा हो चुका है। उम्र के इस पड़ाव पर ना हम लोगों के लिए तो धूप मायने ही नहीं रखती, हम तो 8-8 घंटे खड़े रहते हैं इसी जनता की सेवा में, हम रोज पिछले 2 महीने अनवरत। आप अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं लेकिन हम तो ड्यूटी नहीं, हम तो सेवा कह रहे हैं, ड्यूटी के भाव से नहीं करते हम लोग सेवा भाव से करते हैं, ड्यूटी का भाव नहीं है ये सेवा भाव है। इसमें आप एक सकारात्मक हल निकालिए, मैंने बता दिया दो ही चीजें हैं, अगर वो प्रक्रिया के थ्रू नहीं रखी गई तो एक साल से रखी हुई आपका वो है कि आप खोजे क्या है प्रक्रिया, लेकिन अगर वो मूर्ति वहाँ रखी हुई है अगर वो ठंडी है तो उसको आप ढक देंगे ठीक है, और दूसरी अगर वो प्रक्रिया के थ्रू रखी गई है तो फिर उसको आप बदलने का कार्य करें, क्योंकि ये खंडित प्रतिमा रखना ये अनुचित है, ये न्याय विरुद्ध है, इससे जो है एक सार्वजनिक अपमान है। अब खंडित प्रतिमा फोटो कहाँ तक नहीं गए हैं, आपके विधायक जी के जूते लेके गए खड़े हुए वहाँ, वो फोटो भी गए वहाँ से भी लोग कह रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ, लोग कह रहे बताइए फिर कहाँ कैसे मान लो सबके होते हैं प्रशासन के लोग खड़े हुए जूते लेके करेंगे, अभी साफ पहुँचे नहीं है टाइम लोगे इसके साथ ना।